हेलो दोस्तों, मैं हूं हशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। आज हम बताएंगे मैट्रिक या कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। और मैट्रिक का कॉपी लगभग जांच हो चुका है और मेरे बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे स्टूडेंट ने भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मैट्रिक के बारे में बताइए, मैट्रिक का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो जहाँ तक इस साल उम्मीद किया जाता है कि अगले साल के हिसाब से यानी 2018 के हिसाब से इस साल सबसे पहले ही रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा, क्योंकि ये नहीं बता पाएंगे कि कितने तारीख को ये पब्लिश किया जाएगा। क्योंकि एक एट क्लास के मतलब रिजल्ट के पब्लिश के बारे में एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम कुछ बताए थे जो सरकार के न्यूज़ के हिसाब से यानी उसका जो पेपर में दिया गया था जो पब्लिश करने का डेट उसके हिसाब से, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो बहुत किसी ने ऐसे भी हमको कमेंट किया कि सब फेक न्यूज़ बनाते हैं, इसलिए हम बता नहीं पाएंगे कि कब होगा। लेकिन इसमें कुछ अपडेट आपको बताएंगे जो हकीकत है। इसको वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए और इसमें आपका अंदाज़ा भी हो जाएगा कि डेट का पता भी हो जाएगा कि कब तक वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि आपका जो झारखंड जैक बोर्ड है उसी की तरफ से ये आपका न्यूज़ है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी झारखंड बोर्ड की कक्षा टेंथ क्लास टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 का परीक्षा सफलतापूर्वक ले चुका है तथा इस साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक टेंथ क्लास बोर्ड 2019 के एग्जाम में लगभग 4,41,274 कैंडिडेट एग्जाम दिया है, जो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा 458 एग्ज़ाम सेंटर में लिया गया था। 400 टोटल एग्ज़ाम सेंटर था, 458 एग्ज़ाम सेंटर था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड बोर्ड जैक 2019 के क्लास टेंथ का एग्ज़ाम पहली पाली में लिया जा रहा था और क्लास ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दूसरे पाली में लिया जा रहा था। अब इसका आगे हम फिर आपको एक अपडेट बता देंगे, तो इसमें देखते रहिए। जैक का अध्यक्ष जो है उसका कहना है कि एकेडमिक काउंसिल, यहाँ जो लिखा गया देख लीजिए, एकेडमिक काउंसिल यानी झारखंड जैक बोर्ड के क्लास टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 का परीक्षा की कॉपी जांच भी कर लिया गया है तथा इसका रिजल्ट ही जैक बोर्ड जल्द ही जारी करने वाले हैं। जैक बोर्ड की इस साल पिछले साल की तुलना में जल्दी रिजल्ट जारी करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण रिजल्ट जारी होने में दिक्कत ना हो, इसीलिए चुनाव से पहले ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और हम जहां तक हमको पता है या जहां तक सूत्रों की खबर से अनुसार कि जो 15 तारीख में एक जैक के अध्यक्ष से 15 तारीख को एक लेटर भी दिया गया था 15 अप्रैल को, और जहाँ 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 आपका कॉपी जांच चल रहा था उस सेंटर में, कि जितने जल्दी हो सके और कॉपी जांच करके जल्दी जैक को भेजा जाए या तो और टीचर बढ़ाया गया भी गया था। तो 20 तारीख तक जहाँ तक हम लोग को अभी सूत्रों के हिसाब से मिला है खबर कि जहाँ तक 20 तारीख को सब जगह का कॉपी लगभग पहुँच चुका है काउंसिल में और 2-4 दिन के अंदर ही वहाँ से सब कुछ नंबर चढ़ जाएगा। और आशा किया जा सकता है कि अप्रैल महीना में 28-29 तारीख तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर इस महीना में नहीं आते हैं तो मई महीना के फर्स्ट वीक में ही आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि आगे फिर आपका क्या है, आपका जो लोकसभा का चुनाव है उसमें चुनाव से पहले ही दिए जाने की यहाँ कोशिश किया जा रहा है। जैक अध्यक्ष का कहना है कि इस साल लोकसभा चुनाव से पहले ही दिया जाएगा और अगले साल के हिसाब से साल जल्दी ही रही होगा। तो आप इस चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे भी कुछ अपडेट आएगा जरूर तुरंत दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।